छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा पुलिस अनुविभाग में इन दिनों पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर जारी है। इसी तारतम्य में छतरपुर डीआईजी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बड़ा मलहरा एसडीओपी एवं थाना प्रभारी निरीक्षक के खनेजा के मार्गदर्शन में ग्वारा पुलिस ने अवैध शराब के जखीरे को आरोपी समेत दबोचा है। ग्वारा उप थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान टीकमगढ़ की ओर से आने वाला एक पिकअप वाहन के ड्राइवर ने पुलिस को देखकर मार्ग परिवर्तित कर दिया, जिस पर पुलिस को शक हुआ और जब गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो पिकअप वाहन से 102 पेटी अंग्रेजी और देशी शराब, कुल 885 लीटर शराब जिसकी कीमत लगभग 13,65,300 रुपए बताई जा रही है, उसे जब्त किया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार जिले में अवैध शराब के संग्रहण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में सीवान पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री सचिन शर्मा सर के निर्देशन में सीवान एसडीओपी महोदय बड़ा मलहरा श्री सीताराम साहू सर एवं हमारे थाना प्रभारी श्री के खनेजा के निर्देशन में आज दिनांक को करीब सुबह 5-6 बजे दौरान गश्त चेक के नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन में 102 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसमें देसी एवं ब्रांडेड विदेशी शराब है। जो जब्तशुदा शराब की कुल मात्रा करीब 885 लीटर है और जिसकी कीमत 7,65,000 रुपये आंकी गई है। ये शराब अपने टीकमगढ़ ज़िले में बड़ावां तरफ से आ रही थी और सागर ज़िले में कहीं जा रही थी। इसमें एक आरोपी भूपेंद्र से भरे पिता रामकिशन से भरे निवासी भगौता थाना सिविल लाइन छतरपुर को गिरफ्तार किया गया है।